जल ही जीवन है, जल है तो कण है। धरती से धीरे धीरे घट रहे जल का कारण मानव द्वारा जल का दुरुपयोग है। दूसरी ओर प्रकृति यानी बरसात हमें इतना जल मुहैया कराती है जिसे हम स्टोर कर लें तो शायद जीवन भर हमें जल की कमी नहीं होगी। वहीं बरसात के जल को स्टोर कर उसको पीने में सदुपयोग करना कहीं तक ग्राउंड वाटर और आरओ वाटर से ज्यादा फायदेमंद है। इसी महत्वपूर्ण विषय के सर्वेक्षण में ग्लासगो यूनिवर्सिटी ब्रिटेन के प्रोफेसर, छात्रों के डेलीगेशन और प्रिया संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने क्योर संस्था के सहयोग से सामुदायिक स्थल प्राथमिक विद्यालय सती नगर नराइच में विजिट किया, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से स्कूल के बच्चों को पीने के पानी की व्यवस्था क्योर संस्था के माध्यम से बेहतर ढंग से की गई है। यहाँ आए डेलीगेशन ने पूरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तकनीकी के विषय में जाना और भ्रमण कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। क्योर संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार ने ब्रिटेन डेलीगेशन के समक्ष समुदाय के बीच आगरा में किए जा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्वच्छता कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की। ये जो ग्लासगो यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वहाँ के छात्रों और उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनका एक विजिट है जिसमें कि ये समुदाय के बीच में पानी और स्वच्छता से संबंधित क्या क्या काम आगरा में किया जा रहा है और प्योर द्वारा उसमें क्या किया है उसको जानने के लिए, और साथ ही प्रिया संस्था की ओर से उनके भी प्रतिनिधि हैं जो कि यहाँ पे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि समुदाय से लाभान्वित हुआ है तो किस स्तर तक लाभान्वन उनके बीच में पहुंचा है। यहाँ पे पानी और स्वच्छता से संबंधित जो वाश पार्क है वो उसके बारे में जानकारी हुई है, जिसमें कि बरसात के पानी को पुनः प्रयोग में और जो ग्राउंड वाटर है, जमीन का पानी है, उसको स्तर को बढ़ाने के लिए, और तीसरा जो गंदा पानी है, जो नाली का पानी है, उसको स्वच्छ करके पुनः प्रयोग में कैसे लिया जा सकता है, इसके ऊपर यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कम्युनिटी को ये संदेश देना चाहेंगे कि पानी को कोई बना नहीं सकता है, जो प्रकृति उसको दे रही है बरसात के रूप में, उस पानी का हमको उपयोग करना चाहिए और उसको आगे अपने जो दैनिक उपयोग में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान स्थानीय क्योर प्रतिनिधि मुकुट सिंह ने पानी के TDS का डेमो देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जहाँ ग्राउंड वाटर का TDS 4900, आरओ वाटर का TDS 125 तो वहीं रेन वाटर का TDS महज 99 निकला। इस लिहाज से रेन वाटर सबसे बेहतर है जिसमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाले सारे मिनरल्स मौजूद हैं। ऐसे में इस पूरे विजिट और सर्वे से एक बात तो साफ हो जाती है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रत्येक घर में लगाना चाहिए, जिससे न सिर्फ पृथ्वी पर पानी का संरक्षण होगा बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और दुनिया के समक्ष पानी के संकट से भी निजात मिल सकेगी। इस दौरान डेलीगेशन ने स्कूल के बच्चों के साथ जमकर मस्ती की और समुदाय क्षेत्र के सरकारी स्कूल की गतिविधियों को समझा, साथ ही बच्चों से रेन वाटर के विषय में भी पूछताछ की। उन्होंने स्कूल में स्थापित रेन वाटर पीकर उसकी विश्वसनीयता को भी परखा।